हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना फिफ्थ लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है देश के निवासी। इसमें जो है हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से अलग अलग धर्मों जातियों के लोग जो है भारत में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता मतलब कि अलग अलग धर्मों जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता से रहते हैं, मिलकर रहते हैं। इसमें देश के लोगों की एकता का वर्णन है। जैसे यहाँ पर जो है एक देश है, इसमें चार में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सभी जगह जो है अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा देश एक है। उसी हिसाब से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, लेकिन हिंदू जो है वो उनका मंदिर है, इसमें गुरुद्वारा बना है, इसमें फिर गिरजाघर है और ईदगाह है, लेकिन फिर भी सब लोग जो है एक देश में रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों रूप से, मानवीय रूप से मतलब कि मनुष्य लोग जो है जिस प्रकार से रहते हैं अलग अलग, उनका पहनावा अलग है, बोली अलग है, लेकिन फिर भी सब लोग मिलकर रहते हैं। प्राकृतिक रूप से मतलब सारी नदियां हैं, सभी जो है वो अलग अलग रहती हैं, लेकिन फिर एक हो जाती हैं। तो ये एकता जो है यहाँ पे इस लेसन कविता में बताई गई है। मानवीय में प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। एक सूत्रता का मतलब होता है कि सभी जो है मिलकर, मिलजुल कर एकता से, यूनिटी से रहते हैं। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य भारत की भव्यता और विविधता का गान किया गया है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जन का मतलब होता है व्यक्ति, लोग, हिंद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग एक हैं। किस प्रकार से? रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप उनका अलग अलग है, वेशभाषा हर जगह का पहनावा अलग है। जैसे आप देखते हो पूरे 29 स्टेट्स हैं, तो सभी जगह जहां हम जाते हैं सबसे ज्यादा अलग अलग उनका खान पान होता है, अलग अलग उनके ड्रेसेस अलग अलग होते हैं, ट्रेडिशनल जो है वो सब कुछ उत्सव जो है वो सब अलग अलग मनाते हैं त्योहार। तो इस तरीके से नृत्य है सबके अलग अलग है, तो अलग अलग भिन्नता है चाहे अनेक है ना, भाषाएं भी वो लोग सब अलग अलग बोलते हैं, लेकिन फिर भी इस देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल बूझे माला में एक है। माला जो है वो एक होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे फूल जो है हम लोग पिरोते हैं, फिर एक माला बनती है। अब यहाँ कुछ फूलों के नाम दिए हैं, जैसे बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली। तो ये सब फूल अलग अलग है, अलग अलग पौधे पे उगते हैं, लेकिन जब हम माला बनाते हैं तो वो एक हो जाते हैं। तो फूलों की एकता बताइए कि फूल अलग अलग है लेकिन एक ही माला में पिरोए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एकता फूलों के माध्यम से जो है एकता बताई है, यूनिटी बताई है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना गुनगुन, राग मगर एक है। राग का मतलब होता है ट्यून, जैसे म्यूजिक में होता है हमारे, चाहे क्लासिकल हो है ना, तो उसमें क्या होता है कोई भी गीत हम लेते हैं तो उसमें जो है उसका एक ये होता है बेस होता है, जैसे सारे का मपादाई से ये जो है उसका बेस है, इसके ऊपर से सारे गीत बनते हैं। तो उसका गीत अलग अलग होते हैं लेकिन उसका राग जो है वो एक ही होता है। वैसे यहाँ पर भी कोयल अलग अलग, कोयल की जो कूक होती है वो कूकती है कोयल, पपीहे की टेर होती है आवाज, बुलबुल अपना तराना गाती है, गीत गाती है, पक्षी जो है अलग अलग आवाज में जो है चहचहाते हैं, लेकिन उनका राग एक होता है, मतलब इसमें जो है पक्षियों में भी एकता बताई है। उसी प्रकार से नदियों के बारे में, नदियों में जो है वो जैसे यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग नदियां बहती हैं। साउथ में जो है कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां बहती हैं, इधर गंगा, यमुना, फिर साबरमती, नर्मदा, ये सब जो है देश के अलग अलग भागों में बहती हैं, लेकिन अंत में जाकर वो सागर में मिल जाती हैं। तो इसमें नदियों की एक रूपता बताई है कि वो भी सब अलग अलग होते हुए भी जो है वो एक ही सागर में मिल जाती है। जैसे यहाँ पर जो है अरेबियन सी है, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, इधर की नदियां यहाँ बहती हैं, गंगा, यमुना वगैरह, और बाकी सब इस तरफ से जो है उस हिसाब से अलग अलग जो है समुद्र में मिल जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे सिर्फ पांच नदियों के बारे में दिया हुआ, लेकिन बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में, तो पांच का उदाहरण दिया गया हमारे। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक, सागर में जो है उनका पानी सब एक हो जाता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म मैंने बताया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चार जो है वो खास रिलीजन है यहाँ के। तो सब लोग जो है वो अलग अलग स्थानों पर अपनी पूजा करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, लेकिन उनका जो है वो तरीका अलग अलग होता है, स्थान अलग अलग होता है,
लेकिन सभी लोग जो है एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे हिंदू जो है मंदिर में जाते हैं, यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, पूजा करने जाते हैं, मुस्लिम जो है ईदगाह में इबादत करते हैं, उसके बाद में सिख लोग जो है गुरुद्वारे में जाते हैं मत्था टेकने, और ईसाई लोग जो है चर्च में प्रेयर करने जाते हैं। लेकिन पंथ है निराले, है ना, राह अलग अलग है, उनके धर्म स्थान अलग अलग है, उनका तरीका अलग अलग है, लेकिन मंजिल तो एक है। उनकी मंजिल क्या है कि ईश्वर एक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग माध्यम से जो है एकता बताई है। यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। अब पहले आपको CW में ये पोयम लिखनी है 2 times, उसके बाद में फिर मीनिंग सीखने हैं। और ग्रामर की बुक मैंने आपको बताई थी, ग्रामर बनाना है, उसमें खाली पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है, इसमें उसमें से आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 33 ये टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 में, इसमें आपको ये थोड़ी सी इतना जानने में जो छोटी सी ग्रामर है वो आपको लिखना है। जैसे सर्वनाम पुरुषवाचक और नीचवाचक, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं शब्द, वो उसमें पुरुषवाचक है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर नीचवाचक का लिखना है जो कि खुद के लिए होता है, जैसे अपनेपन का बोध होता है जिसमें, उसको नीचवाचक बोलते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, इस तरह से। तो ये आपको पूरा जो है ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।